माँ मैं वापस आऊँगा, हाँ माँ मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा, तेरे लिए तेरी पसंद की साड़ी भी लेकर आऊँगा माँ, मेरी शादी में माँ यही साड़ी पहनना। मेरी छुट्टी भी मंजूर हो गई है, 28 फरवरी को छुट्टी मिली है, उसके बाद आने के बाद मैं शादियों की तैयारियों में लग जाऊँगा, बहुत सारे रिश्तेदारों को मुझे भी तो फ़ोन करने हैं। ये अंतिम शब्द थे मेजर चित्रेश विष्ट के, उत्तराखंड के ये लाल 16 फरवरी को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बारूदी सुरंग हटाते समय शहीद हो गए थे। बहुत सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार सब इंतज़ार कर रहे थे मेजर के आने का, मेजर के आने का, लेकिन मेजर नहीं आए। आई तो आई मेजर के शहादत की खबर, इस शहादत की खबर से पूरा परिवार टूट गया, शहादत की खबर से उनके पूरे परिवार में कोहराम मच गया, चीख और पुकार मच गई। दोस्तों, मेजर की 7 मार्च को शादी थी, पूरे परिवार में तैयारियां चल रही थी, खरीदारी हो चुकी थी, बहुत सारे रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला था। सभी के मन में एक ही बात थी, सिर्फ ये बात थी कि मेजर 7 मार्च को सेहरा पहने हुए घोड़चढ़ी पे चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने जाएंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मेजर तिरंगे में लिपटे हुए आएंगे, उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा। दोस्तों, मेजर के शहीद होने के बाद से 2 परिवारों पर वज्रपात गिरा, एक मेजर का परिवार पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से हृदय विराग घटना को सुनकर पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। दूसरा, जिस लड़की से मेजर की शादी होने वाली थी उस परिवार में भी कोहराम मच गया, वो परिवार भी आंसुओं के सैलाब से डूब गया। दोस्तों, मेजर की शहादत के बाद से उत्तराखंड के लाल को नमस्कार करने के लिए, उत्तराखंड के इस लाल को प्रणाम करने के लिए, उत्तराखंड को अंतिम सलामी देने के लिए जैसे लगा मानो पूरा उत्तराखंड उमड़ पड़ा होगा। मेजर तेरी ये कुर्बानी याद रखेगा हर हिंदुस्तानी, मेजर तेरी ये कुर्बानी याद रखेगा हर हिंदुस्तानी, जब तक सूरज चांद रहेगा मेजर तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेजर तुम्हारा नाम रहेगा, ये पूरे रास्ते भर नारे लगते चले गए, जय घोष होता चला गया, भारत माता वंदे मातरम के जय घोष के साथ। मेजर के जो बचपन के तमाम दोस्त थे उनके आंखों के आंसुओं का सैलाब देखते बनता था, इतने द्रवित और इतने करुणा से भरे हुए थे कि एक एक शब्द भी अपने साथी और दोस्त के लिए उस समय उनके बोलने के लिए भारी पड़ रहा था। दोस्तों, हमारी भारत की माटी वीरों से भरी पड़ी है, दोस्तों हमारी भारत की माटी वीर सपूतों से भरी पड़ी है, और हर समय ऐसे मेजर सहित तमाम लालों को जन्म देती है जो देश की सीमा पर जाते हैं और अपनी शहादत दे देते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर हमारे देश के जवान बेकसूर कब तक शहादत पाएंगे, कब तक शहीद होते रहेंगे, कब तक इस देश के लिए मर मिटेंगे, कब तक इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। 1947 में हमें आज़ादी मिली, अब क्या किसी और आज़ादी की चाहत है, अब क्या कोई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सवाल ना सरकार दे पाएगी और ना तंत्र दे पाएगा। इस सवाल का जवाब जो है सिर्फ हमें और आपको ढूंढना है। चलिए, एक सवाल के जवाब की तलाश में हम चलें कि कैसे हमारे देश के जवानों की जान बच सके, कैसे हमारे बेकसूर जवान जो सीमा के बॉर्डर पर हैं वो शहादत होने से, शहीद होने से बच सके। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।